अरे तुमने क्यों बनाई चाय? कोई बात नहीं, अपने लिए चाय बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना लूं। तुम मुझसे कहती ना, अभी किचन में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 हफ्ते तो हुए हैं तुम्हारी शादी को। आपको कहती अच्छी लगती क्या? कुछ नहीं होता, आप चाय पीजिए। और ये इतना फीका सा रंग क्यों पहना? अरे नई नवेली दुल्हन हो, कोई अच्छा शोक रंग पहनो। जी बदल लूंगी थोड़ी देर में। जीशान टेस्ट कराने गए? जी। अल्लाह करे उसके टेस्ट क्लियर आए हैं, बिल्कुल ठीक हो जाए और तुम लोग मरी जाओ। हमीद बस बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जब तुम दोनों मुस्कुराते हो ना, मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती। अरे अरे आप लोग कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए कैसी हैं? बैठे बैठे, अरे इस तकल्लुक की क्या जरूरत? आओ बेटा मिलो। सलाम अलैकुम। कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक हूं। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं भाभी? ठीक हैं आप? ठीक। तुम कैसी हो? बिल्कुल। बैठो ना, बैठो बेटा। रिता मुझे तुमसे बहुत गिला है, तुम्हारे पास तो अपनी भाभी से बात करने की फुर्सत ही नहीं है। तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने मुझसे बात ही नहीं की। जी वो जिशान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई। आप बेटा, आप कैसी तबीयत है आपकी? जी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर ने टेस्ट कहे थे, अभी करवाए हैं। देखिए किस चीज के टेस्ट? नहीं नहीं, वो डॉक्टर को शायद टाइफाइड का शुबा था तो इसीलिए टेस्ट करवाया उसने। अच्छा अच्छा, अब ठीक हो? मैं आप लोग के लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, तुम अपनी फैमिली के पास बैठो, चाय मैं बनाती हूँ। जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी बेटी को इतना प्यार दिया, इसी वजह से तो इतनी जल्दी एडजस्ट हो गई है आपके घर में। बेटी है ये मेरी, मेरे घर की रौनक। बड़ी तारीफें करती है आपकी। ठीक कह रही हैं आंटी, रिदा वाकई बहुत खुशनसीब है जिसे आप जैसी इतनी अच्छी सास मिली। नहीं तो आजकल की सासें तौबा, बहुओं को तो कुछ समझती नहीं है, बस बेटों को काबू में रखने की कोशिश करती हैं। भाई मेरे घर में तो मेरी बहू ही सब कुछ है, और मेरी रिदा तो है ही ऐसी, इसकी तो सभी तारीफ करते हैं। माँ जी तो बस मतलब हर वक्त रिदा 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 रिदा, अल्लाह का शुक्र है बड़ा प्यार है तुम्हें। अरे बहू थोड़े ही है, बेटी है मेरी, मैं चाय लेकर आती। अच्छा क्या बात है। गुड हातिम, मैं आपकी जहानत और मेहनत का कायल हो गया हूँ। बहुत स्किलफुली आपने ये सारी कैलकुलेशंस निकाली हैं, वेरी गुड। थैंक यू सर। आजकल तो आपको जिशान की जगह भी काम करना पड़ रहा होगा। जी सर, इजीली सब कुछ मैनेज हो रहा है। गुड। वो आउटिंग से कब वापस आ रहा है? एक्चुअली सर जिशान लोग बाहर गए हुए हैं, जिशान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसीलिए। ओह आई सी। अच्छा सर मुझे एक बात पूछनी थी, ये कि जो 20 लाख का लोन है ये कंपनी से किसको दिया गया? मतलब यहाँ मेंशन नहीं है। इसको रहने दें। सॉरी सर, यूँ छोड़ नहीं सकता इसे क्योंकि एंट्री करवानी है मुझे। ओके इफ यू इंसिस्ट। ये लोन जिशान ने अपनी शादी पर लिया था और उसने ख़ास तौर पर मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसके मुतालिक आपको मत बतलाऊं। आप इसको खुद ही मैनेज कर लीजिएगा। जी जी सर। जिशान बहुत ईगोइस्ट है और ये एक अच्छी बात भी है, वरना आजकल अगर अमीर ससुराल हो तो दामादों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। योर ब्रदर इन लॉ इज अ जेन्युइन गुड मैन। Thank you.
इकलौते दामाद हैं आप इस घर के, अगले साल बहाने में नई मॉडल की गाड़ी मिल जाएगी। नहीं, हमारे खानदान का कुछ स्टेटस भी है, लोग क्या कहेंगे कि दामाद इतनी पुरानी गाड़ी में आता है। अस्सलाम वालेकुम हातिम। कैसी तबीयत है? जी अब पहले से बेहतर है, बेहतर महसूस कर रहा हूँ मैं। अभी बॉस के साथ मीटिंग नहीं था तो वो भी तुम्हारा पूछ रहे थे। जी यकीनन काम पेंडिंग होगा और मैं आ नहीं रहा, आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं, तुम काम की वजह से परेशान मत, तो काम तो बहुत ईजिली मैनेज हो रहा है, बस तुम अपना ख्याल रखो। जी ख्याल रख रहा हूँ मैं अपना। शमीला भाभी और आंटी भी आई हुई हैं, वो मेरी तबीयत का पूछ रहे हैं। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। इस वक्त तुम मसरूफ हो गए, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, कुछ कुछ पूछना था। नहीं नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, बताइए क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ कुछ खास नहीं, बस यही काम की ही ऑफिस की ही बात करनी थी। तुम फ्री हो जाओ फिर इत्मीनान से बात करेंगे। ओके खुदा हाफिज़। बेहतर होगा कि जिसे शान से ये बात पूछनी नहीं चाहिए जब वो बताना नहीं चाह रहा।